बर्नाबास ने उनसे बात की और आग्रह किया कि वे ईश्वर की कृपा में दृढ़ बने रहें। अगले विश्राम दिवस नगर के प्रयाग सब लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठा हो गए। यहूदी इतनी बड़ी भीड़ देखकर ईर्ष्या से जलने लगे और पौलुस की निंदा करते हुए उनकी बातों का खंडन करते रहे। पौलुस और बरनाबास ने निडर होकर कहा, यह अवश्य था कि पहले आप लोगों को ईश्वर का वचन सुनाया जाए, परंतु आप लोग इसे अस्वीकार करते हैं और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं समझते। इसीलिए हम सब गैर यहूदियों के पास जाते हैं। प्रभु ने हमें यह आदेश दिया है, मैंने तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे तुम्हारे द्वारा मुक्ति का संदेश पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। गैर यहूदी यह सुनकर आनंदित हो गए और ईश्वर के वचन की स्तुति करते रहे। जितने लोग अनंत जीवन के लिए चुने गए थे, उन्होंने विश्वास किया और सारे प्रदेश में प्रभु का वचन फैल गया। किंतु यहूदियों ने प्रतिष्ठित भक्त महिलाओं तथा नगर के नेताओं को उभारा पौलुस तथा बरनाबास के विरुद्ध उपद्रव खड़ा कर दिया और उन्हें अपने इलाके से निकाल दिया। पौलुस और बरनाबास उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ कर इकोनिया चले गए। शिष्य आनंद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ, हमारे प्रभु यीशु हमें जीवन की उस परिपूर्णता की ओर ले जाना चाहते हैं, जहां हमें धर्म ग्रंथ के अनुसार फिर कभी ना तो भूख लगेगी और ना प्यास, क्योंकि मेमना हमें संजीवन जल के स्रोत के पास ले चला। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 9:14-17। मेमना उनका चरवाहा होगा और उन्हें संजीवन जल के स्रोत के पास ले चलेगा। मैं यूहन्ना से सभी प्रजातियों, वंशों, राष्ट्रों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जन समूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। वे उज्जवल वस्त्र पहने थे, हाथ में खजूर की डालियां लिए सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े थे। विद्याओं में से एक ने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो महासंकट में से निकलकर आए हैं। इन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उज्जवल कर लिए हैं, इसीलिए ये ईश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहते और रात दिन उनके मंदिर में उनकी सेवा करते हैं। वह जो सिंहासन पर विराजमान है इनके साथ निवास करेगा। इन्हें फिर कभी न तो भूख लगेगी और न प्यास। इन्हें न तो धूप से कष्ट होगा और न किसी प्रकार के ताप से, क्योंकि सिंहासन के सामने विद्यमान मेमना इनका चरवाहा होगा और इन्हें संजीवन जल के स्रोत के पास ले चलेगा और ईश्वर इनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। यह प्रभु की वाणी है।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्या 27 से 30 तक। यीशु ने कहा, मेरे भेड़े मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती है। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूं, उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और कोई भी उन्हें मुझसे छीन नहीं सकेगा। मेरे पिता ने मुझे उन्हें दिया है, वो सबसे महान है, कोई भी उन्हें पिता से नहीं छीन सकता। मैं और पिता एक है। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे कृष्ण तेरी स्तुति हो। शुभ मुझे यीशु। जय हो। कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छे हैं। हाँ। गर्मी कम हो गई? नहीं गर्मी नहीं। गर्मी कम हुआ कि नहीं हुआ? पैदल आए ना इसीलिए अच्छे गए। चलिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि सब कोई ठीक ठाक है। आज के तीनों पांच उस प्रभु के बारे में बतलाता है जो प्रभु अपने आप को एक भला चरवाहा, एक भला गडेरिया के रूप में पेश करता है। वह भला गडेरिया, भला चरवाहा अपनी भेड़ों की आवाज को पहचानता है। वो उसकी हर एक दर्द पीड़ाओं को समझता है, उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसको वह अच्छी तरह से जानता है। जब हम इसकी तुलना करें हमारे पारिवारिक या सामाजिक स्तर पर लेकर के, खास करके जब हम कहते हैं कि हमारी माताएं हमारी बहनों को हमारे भारत देश में एक देवी का दर्जा दिया जाता है। दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? किसका दर्जा दिया जाता है? हमारे भारत देश में सभी माताओं को देवी का दर्जा दिया जाता है। हम कैसे कह सकते हैं कि वे देवी हैं? कैसे कह सकते हैं? जन्म देती है, देखभाल करती है। हाँ, देखभाल करती है, जन्म देती है और क्या क्या करती है? परिवार को संभालती है। परिवार को संभालती है, मतलब आप सब देवी नहीं है लगता है, है ना? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही प्रभु येसु भी, यानी पिता परमेश्वर के पुत्र प्रभु येसु भी अपने आप को प्रकाशित करते हैं। वह प्रभु है लेकिन अपने आप को एक भला चरवाहा, एक भले गडेरिये के रूप में प्रकट करते हैं। जब हम साधारण तौर से कहें, अगर कोई कहे कि मां कौन होती है, तो मां का, यानी मां के बारे में बतलाने के लिए हमें परिभाषित करना होगा कि मां के अंदर ऐसे ऐसे गुण हैं और यही गुण ही उस मां को मां होने का दर्जा देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर मां के अंदर मां होने का गुण ना हो तो नाम के वास्ते मां कहलाएगी लेकिन वास्तविकता में मां नहीं कहलाएगी। अगर पिता हमारे परिवार में हो, अगर पिता का भी गुण हो तो उसकी गुणवत्ता क्या होनी चाहिए? अपने परिवार के प्रति, अपने घर, अपने धन संपत्ति के प्रति समर्पित जीवन जीना, यानी घर के हर एक आवश्यकता को पूरी करने की एक लालसा होती है, एक जुनून होता है। पिता घर की हर एक जरूरत को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। अगर वही पिता कहे कि हम काम नहीं करेंगे, हमारे घर की देखभाल नहीं करेंगे, तो वह पिता तो है लेकिन पिता कहलाने लायक
नहीं है। हालेलुया 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 हालेलुया। तो इसी प्रकार की बातें आज की पांच प्रभु यीशु के माध्यम से एक भला चरवाहा का एक प्रतीक देता है, एक नमूना पेश करता है। वो अपने आप को स्वयं कहता है कि मैं भला चरवाहा हूं और भेड़े मेरी आवाज को पहचानती है। परिवार में हम देखें, अगर मम्मी पापा की आवाज अगर बच्चे नहीं पहचानते हैं तो मम्मी पापा उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे बच्चे को? लायक कहते हैं। ये मेरे क्या कहते हैं? नालायक है। नालायक है। नालायक का अर्थ क्या होता है पता है? मेरी बात नहीं मानता है। जो बात नहीं मानता है, बहुत सारे चीजों को वो छुपाता है, जो हम कहेंगे उसको करने के लिए वो नहीं करता है। और यानी उसको दो शब्द में तोड़ करके कहेंगे तो वो किसी के लायक नहीं है, ना किसी काम करने के लिए, ना किसी इंसान के लिए। उसी को नालायक कहते हैं, यानी किसी के उपयोग में नहीं आ सकता है, किसी के कार्य में वो भाग नहीं ले सकता है। हम उसको कुछ भी जिम्मेदारी दें तो वो नहीं कर सकता है। इस प्रकार के शब्दों से हम प्रकट करते हैं उस इंसान को, उस व्यक्ति को, जहां हम नालायक का शब्द प्रयोग करते हैं। हम माता पिता और सारे बच्चों के बीच का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जहां प्रभु यीशु अपने जीवन से, अपने जीवन के माध्यम से हमें ये बतलाते हुए कहते हैं कि अगर भेड़े हमारी आवाज पहचान सकती है तो हमारे माता पिता की आवाज बच्चे क्यों नहीं पहचान सकते। अगर बच्चे हमारे माता पिता का आवाज पहचानते हैं तो बच्चे माता पिता में ईश्वरीयता गुण को पाते हैं, ईश्वरीय गुण को पाते हैं। अगर माता पिता के अंदर कुछ कमियां हो, खामियां हो, तो कहीं ना कहीं वो चुक जाते हैं और वे अपने रास्ते में भटकने लगते हैं। जब वे अपने रास्ते में भटकने लगते हैं तो वह ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को काबिल नहीं बना पाता है। वह उतना दूर तक चला जाता है जहां तक कि कोई उसे संभालने में और सच्चे मार्ग पर ले आने में असमर्थ का महसूस करता है। और आज की ये घटनाएं हमें प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद आज के पहला पाठ हमें ये बतलाता है कि जहां ईश्वर के शब्दों को, जहां ईश्वर के जीवन शैली को लोगों को बतलाते हैं, वो लोगों के जीवन में विश्वास उत्पन्न होता है और लोग प्रभु का अनुसरण करते हैं। और प्रभु का अनुसरण करने से हमें मुक्ति मिलती है, हमें शांति मिलती है, हमें सामर्थ्य मिलती है। यही आज के पहले पाठ जो प्रेरित चरित्र से लिया गया है ये हमें बतलाता है। वचन हमें ये भी बतलाता है, ईश्वर की वचन को सुनने के लिए लोग इकट्ठे हो जाते थे। क्या करते थे? ईश्वर के वचन को सुनने के लिए लोग इकट्ठे हो जाते थे। और यहूदियों के बीच में क्या चलता था? हाँ, यहूदियों के बीच में ईर्ष्या चलता था, ईर्ष्या और जलन होती थी, जलन निंदा। हाँ, हमारे अंदर भी ईर्ष्या और जलन होता है, होता है कि नहीं होता है? होता है, होता है। हालेलुया 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 हालेलुया। जब कोई इंसान हमसे अच्छा करे, हमसे बेहतर करे और वह अच्छा बोले, अच्छा सोचे, तो उसके प्रति हमारे अंदर ईर्ष्या की भावनाएं उत्पन्न होने लगती है, उसके प्रति हमारा जलन होने लगता है, हमें जलन होने लगता है। हम सोचते रहते हैं कि हम कैसे उसको गिराएं, कैसे उसको भड़काएं और कैसे उसे अच्छे कार्य के बदले गलत कार्य करने के लिए हम मजबूर कर दें। इस प्रकार की भावनाएं हमारे अंदर भी होती हैं। तो यही पर इसी प्रकार की घटनाएं आज संत पेत्रुस, संत पौलुस और बरनबास अपने जीवन चर्या के अनुसार अपने प्रभु के सुसमाचार को फैलाने के लिए अंताकिया, पिसिदिया जैसे नामक क्षेत्र में जाते हैं, जहां प्रभु के वचन को, सुसमाचार को सुनाते हैं। और वहां के लोग
इकट्ठे हो जाते हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग उनके वचन को सुनने के लिए भी असमर्थ हो जाते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, इसीलिए उनके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं और उसके प्रति ऐसी बातें करते हैं जिस बातें में क्या हो, खंडन हो, क्या हो, खंडन हो। जो भी वे बात करते हैं, पौलुस और बरनबास जो भी बात अपने जुबान से प्रभु के सुसमाचार को प्रचार प्रसार करने के लिए निकालते हैं, उनके बातों पे वे त्रुटियां निकालते हैं और उसे अस्वीकार करते हैं, उनके बातों को सुनने में अस्वीकार करते हैं। और अस्वीकार करना, प्रभु के वचन को जब हम अस्वीकार करते हैं तो हमारे जीवन में मुक्ति का आना असंभव है, शांति का आना असंभव है, हमारे जीवन में नवजीवन का संचार होना असंभव है। इसीलिए प्रभु यीशु हमें कहते हैं, विश्वास करो और ईश्वर की महिमा को तुम देखोगे। जब हम प्रभु के वचन को सुनकर के विश्वास करते हैं, प्रभु के चमत्कार को अपने जीवन में देखते हैं, साक्षात रूप से अनुभव करते हैं, देखते हैं, जब प्रभु के बातों को शिष्य लोग अपने जनता को सुनाते हैं तो उनके जीवन में आनंद और उमंग खिल उठता है। वह खुशी से वे आनंदित होकर जगह जगह में लोगों को सुनाते हैं प्रभु के वचनों को, पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह के जीवन कार्य में हुई हर एक घटनाओं को याद दिलाते हुए लोगों को सुनाते हुए कहते हैं कि वही प्रभु यीशु जो आज हमारे बीच में पुनर्जीवित है, हम सबों से भी यही आह्वान करता है कि मैं स्वयं जिसको तुम सारी जनता ने मारा था वह जीवित है और फिर से आप सबों को नया जीवन देने के लिए आया है। हालेलुया। प्रभु का वचन जिसके अंदर भी निवास करता है, प्रभु का शब्द जिस किसी को भी छूता है, उन शब्द के माध्यम से पवित्र आत्मा का प्रवेश होता है, उसके जीवन में पवित्र आत्मा निवास स्थान बनाता है। जब पवित्र आत्मा उनके जीवन में निवास स्थान बनाता है तो वह आनंद विभोर होकर खुशी से प्रभु के वचनों को, प्रभु के सुसमाचार को सुनाने के लिए वह फिर से खड़ा हो जाता है, वह फिर से प्रभु के अनुसरण करते हुए, प्रभु का अनुसरण करते हुए उसका अनुयायी बन करके सारी जनता को, पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह को लोगों को सुनाता है। और जितने भी लोग भटक जाते हैं उन सारे लोगों को प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देते हैं, शुभ संदेश देते हैं। वह शुभ संदेश क्या है? प्रभु यीशु स्वयं प्रभु यीशु हमारे लिए आनंद और शुभ संदेश है। इसी को सारी जनता, उनके शिष्य लोग और जो भी प्रभु पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते हैं वे लोग अन्य लोगों को भी सुनाते हैं। और आज प्रभु यीशु अपने आप को भला गडेरिये यानी भला चरवाहा कह करके लोगों को भी प्रकाशित करते हैं। हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 में हम पढ़ते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रभु क्या कहता है? प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु क्या कहता है? प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। हाँ, ये कौन कह रहा है? प्रभु कह रहे हैं। हाँ, प्रभु स्वयं कहते हैं कि मैं भला चरवाहा हूँ। और प्रभु को जो अनुभव करता है वे कह रहे हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वे सारी जनता कह रही है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। स्तोत्रकार लिखते हुए कहते हैं कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। और आगे क्या कहता है? वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले चलता है। यानी प्रभु हमारी आवश्यकताओं को जानता है और प्रभु वही स्थान तक ले जाता है
वही स्थान के पास लेता है जहां सब कुछ का प्रबंध किया गया हो, जहां खाने के लिए, जहां बैठने के लिए, जहां पीने के लिए, सब कुछ का प्रबंध प्रभु यीशु स्वयं करता है। उस स्थान तक, उस मुकाम तक प्रभु हमें पहुंचाता है, ले चलता है। और हमें क्या कहता है? और वचन हमें ये कहता है कि अपने नाम के अनुरूप वह मुझे सच्चा मार्ग पर ले चलता है, यानी धर्माचरण का जीवन जीने के लिए, सत्य का जीवन जीने के लिए, मेल प्रेम का जीवन जीने के लिए हमें आह्वान करता है। आह्वान कैसे लोगों को करता है? प्रभु के सारे भक्तों को करता है। वह अपनी प्रजा को कहता है कि अगर आप मेरा अनुसरण करते हैं, अगर आप मेरा अनुसरण करते हैं तो आप मेरे यानी धर्म मार्ग पर चलेंगे और सबों को भी ले चलने के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु हमें ये कहते हैं कि अगर आप मेरा अनुसरण करते हैं तो लोगों को भी अपने शब्दों के माध्यम से प्रभु का अनुसरण करने के लिए प्रेरणा दें, आह्वान करें कि वे सब प्रभु के वचन पर चलें, उसका अनुसरण करें, ताकि वे सब भी कह पाएं कि प्रभु मेरा बना चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी, वह हर चीज को, वह हर एक आवश्यकताओं को पूरी करेगा, वह उस स्थान तक ले जाएगा जहां सब कुछ का प्रबंध किया गया हो। और जो भी अनुसरण करते हुए अपने जीवन को जीता है उससे कहेगा कि आप धर्म मार्ग पर चले, धर्माचरण का जीवन जिए और लोगों को भी सच्चे और अच्छे मार्ग पर, सन्मार्ग के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। आज प्रभु यीशु अपने आप को यही कहराते हुए हम सबों को प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि आप भी एक सच्चा और भला चरवाहा बने, निर्बल बने, विनम्र बने, दयालु बने, सारी जनता की भावनाओं को समझें, सारे लोगों की भावनाओं को समझें। अगर हम उनकी भावनाओं को समझते हैं, उनकी भावनाओं को जानते हैं तो हम उसकी हर एक जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। और जब हम उनकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे तो हम भी प्रभु यीशु के समान एक भला चरवाहा और एक भले गरीबी के समान अपने आप को पेश करेंगे। और आज के दूसरे पाठ हमें क्या क्या कहता है? आज का दूसरा पाठ हमें ये बतलाता है जो संत योहन प्रकाशन ग्रंथ में लिखते हुए कहता है कि मेमना उनका चरवाहा होगा और उन्हें संजीवन जल के स्रोतों के पास ले चलेगा, जिसे आज के स्तोत्रकार हमें कहता है कि प्रभु अपनी प्रजा को हरे भरे मैदानों में बैठाएगा, शांत जल के पास ले जाएगा और उन्हें पिलाएगा, हर एक जरूरतों को वह पूरा करेगा। यह प्रभु यीशु आज स्तोत्र ग्रंथ के माध्यम से हमें भी आह्वान करते हुए कहता है। और इसी प्रकार की घटना आज की प्रकाशन ग्रंथ में संत योहन हर एक लोगों को लिखते हुए कहता है, सारी सारी जनता को, ईश्वर की चुने हुई प्रजा को, सारे वंशजों को, सारे राष्ट्रों को, सारी भाषाओं को और सारे लोगों को जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, उनको ये कहता है कि आप सब उजले वस्त्र पहनकर खजूर की डालियां लिए सिंहासन तथा मेमने के पास यानी मेमने के सामने खड़े हो जाएं। वह हम सबों को उजले वस्त्र पहनकर खड़े हो जाने के लिए कहते हैं। किसके पास खड़े हो जाने के लिए कहते हैं? ईश्वर के पास, ईश्वर के सिंहासन के पास खड़े हो जाने के लिए कहते हैं। हम सब ईश्वर की प्रजा हैं, हम सब ईश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं और हम सबों को संत योहन कहते हैं कि आप सब ईश्वर के दरबार पर, ईश्वर के सिंहासन पर उजले वस्त्र पहने खड़े हो जाएं, उस मेमने के सामने खड़े हो जाएं। वह मेमना कौन है? वह मेमना कौन है? प्रभु यीशु, प्रभु यीशु मसीह वह मेमना है। क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, अपने आप को जब समर्पित करते हैं तो वे कहते हैं, मैं सच्चा मेमना हूं
और यौहन बपतिस्मा जब प्रभु यीशु को बपतिस्मा दे रहे थे तो सारी जनता को वे दिखाते भी कहते हैं, ये देखिए ईश्वर के मेमना। वह ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु को दर्शाता है और ईश्वर का मेमना स्वयं प्रभु यीशु है। तो उसके सामने हमें खड़ा होने के लिए आमंत्रित करता है, आह्वान करता है और निमंत्रण देता है। और प्रभु यीशु हमें ये भी कहता है कि उसके सामने खड़े हो जाओ। जो प्रभु यीशु मंदिर में निवास करता है, जो प्रभु यीशु हमारे जीवन में निवास करता है, वह सारी जनता में निवास करेगा, सारी जनता में निवास करता है। और जो प्रभु पर विश्वास और आस्था और भरोसा रखता है, वचन हमें ये बतलाता है कि उन्हें कभी भी किसी प्रकार की भूख नहीं लगेगी। प्रभु पर विश्वास करते हुए जो अपने जीवन को जीता है, उसे शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से पोषित किया जाएगा। जब हमें प्रभु यीशु अपने वचन से पोषित करते हैं, जब प्रभु यीशु अपने वचन से हमें आध्यात्मिक रूप से पोषित करते हैं, बल प्रदान करते हैं, ताकत प्रदान करते हैं, तो हमें भी कभी भी किसी प्रकार का भूखा का अनुभव नहीं होगा, प्यासा का अनुभव कभी नहीं होगा। हमारे जीवन में दुख तकलीफें कष्ट आए तो सारे लोगों यानी सारी कष्ट दुख तकलीफों का अनुभव नहीं होगा। वो कब नहीं होगा? जब हम प्रभु के पास खड़े हो जाएंगे, जब हम प्रभु के पास खड़े हो जाएंगे, उसका अनुसरण करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, तब प्रभु यीशु के पास रह करके हमें कभी भी भूखा, प्यासा, दुख तकलीफ, कष्ट का अनुभव नहीं होगा। इसलिए प्रभु यीशु हमें कहते हैं कि मैं सच्चा चरवाहा हूं, मैं भला चरवाहा हूं, मैं सारी जनता की दुख तकलीफों को जानता हूं। जिस प्रकार मैं अपने भेड़ों की आवाज सुनता हूं और भेड़िया मेरी आवाज पुकारते हैं, उसी प्रकार मैं भी सारी जनता की आवाज को पुकार, सारी जनता की आवाज यानी उनकी पुकार को जानता हूं। और प्रभु यीशु हमें क्या कहते हैं? वे हमें कहते हैं, वह हमें संजीवन जल के स्रोतों के पास ले चलेगा। जिस प्रकार से स्तोत्रकार कहते हैं कि मैं संजीवन जल यानी उस जल के स्रोत के पास पहुंचा दूंगा जहां सब कोई पी करके तृप्त हो जाएंगे, आज प्रभु यीशु भी संत योहन के माध्यम से हमें ये कहते हैं कि सारी जनता जो विश्वास करती है, जो प्रभु का अनुसरण करता है, वह संजीवन जल के स्रोत तक ले जाएगा। और वहां जो भी दुख तकलीफ में कहराते हैं, तड़पते हैं, विलखते हैं, सारी जनता प्रभु में आनंद मनाएंगे, प्रभु में आनंद मनाएंगे। वही प्रभु यीशु हमें आह्वान देते भी करते हैं, कहते हैं कि जितने भी प्रभु पर विश्वास करते हुए जीते हैं, उन सभी को प्रभु यीशु उन मार्ग पर ले चलेगा, उस स्थान पर ले चलेगा जहां हर एक चीज मिलते हैं, जहां हर एक चीज का प्रबंध किया गया है। प्रभु यीशु हमें ये कहते हैं, यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 50 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु उस समय जब जनता भटक गए थे तो पिता परमेश्वर ने नबी यिर्मयाह को यह कहते हुए कहता है, अध्याय 50 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं, मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ों जैसे हो गई है। क्या कहता है? मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ों जैसी हो गई है। ये किनको कह रहे हैं? नबी यिर्मयाह को पिता परमेश्वर यानी प्रभु ने यह कहते हुए कह रहा है, मेरी प्रजा, वे उनकी प्रजा कौन है? उनकी प्रजा कौन है? यहूदी। हाँ, उस समय में चुने हुई प्रजा इस्राएली जनता, वे सब प्रभु की चुनी हुई प्रजा थी और आज हम सब प्रभु की चुने हुई
प्रजा है। हालेलुया 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 हालेलुया। हम सब कौन है? प्रभु की प्रजा हैं, प्रभु के चुने हुए प्रजा हैं। और हम सब हमसे ये कहता है कि मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ों जैसी हो गई है। यानी प्रभु यरेमिया को लिखते हुए कहते हैं कि हमारी प्रजा यानी मेरी प्रजा एक खोई हुई भेड़ों की समान इधर उधर भटक रही है। और आगे वचन यह कहता है उनके चरवाहों ने उन्हें भटकाया है, उनके चरवाहों ने उन्हें भटकाया है, पर्वतों में उनको विपथ पर ले गए हैं। विपथ पर मतलब सन्मार्ग पर ले चलने के बदले कुमार्ग पर ले गया है, गलत रास्ता दिखाया है। ऐसे प्रभु परमेश्वर ने नबी यिर्मयाह को कहता है कि जिस जनता को मैंने चुना था एक भला चरवाहा के रूप में, एक गड़ेरिये के रूप में अपने भेड़ों की देखभाल करने के लिए चुना था, वे सब गड़ेरिये सारी प्रजा को कुमार्ग पर ले जा रहे हैं। ये आज प्रभु अपने शिष्यों से भी कहता है कि अपनी सारी जनता को सुमार्ग पर चलने के लिए, सन्मार्ग की रास्ते पर चलने के लिए प्रेरणा दो। और वचन हमें ये बतलाता है वे पर्वतों से पहाड़ियों पर भटकती रही हैं, यानी वो इधर उधर भटक रहे हैं। उनके जीवन में ना किसी एक लक्ष्य का, किसी एक मकसद का या किसी एक छोर का अनुभव भी नहीं कर पा रहे हैं। वह किसके पास जाए, कहां रुके, उसका भी अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए प्रभु अपने शिष्यों को, अपने चुने हुए प्रजा, अपने प्रेरितों को ये कहते हैं उन सबों के पास जाओ और सुसमाचार सुनाओ और सबों को मेरे पास लौटने के लिए आह्वान करो। प्रभु यीशु अपने वचन से कहते हैं आज के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 15 में कहता है मैं ही द्वार हूं। प्रभु यीशु क्या कहते हैं? मैं ही द्वार हूं। यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम इस वचन को दोहराएंगे। प्रभु यीशु कहते हैं मैं ही द्वार हूँ। यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। उसे मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं मैं भला चरवाहा हूं। और भला चरवाहा का फर्ज क्या बनता है? भला चरवाहा का फर्ज क्या होता है? सारी भेड़ों को एकत्र करना, सारी भेड़ों को एक साथ ले चलना, जो पीछे है उसको झुंड में सम्मिलित करना। भला चरवाहा क्या करता है? सबों को एकत्र करता है। हम देखते हैं जब कोई चरवाहा चराता है, गाय बैल बकरियां हो, तो उसके पीछे पीछे चलता है। और जब हम भेड़ चरवाहा को देखते हैं तो क्या करता है? वो भेड़ के आगे भी रहता है, पीछे भी रहता है और भेड़ के पीछे भी रहता है। यानी चरवाहा भेड़ों को सही मार्ग पर ले चलने के लिए वह सबसे पहले स्वयं को पूर्ण बनाता है। वह गड़ेरिया अपने आप को सही रास्ते पर ले चलता है, वह गड़ेरिया स्वयं सही रास्ते पर चलता है ताकि सभी भेड़ें उसका अनुसरण करें। हालेलुया 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 हालेलुया। वह चरवाहा क्या करता है? वह स्वयं को सही मार्ग पर चलता है, सही मार्ग पर
ही चलता है, वह स्वयं सही मार्ग पर चलता है। वह क्यों चलता है? वह इसलिए चलता है कि उनकी भेड़ें सब उनको देख करके सही मार्ग पर चलें। हालेलुया, हालेलुया। अगर भला चरवाहा सही मार्ग पर ना चले तो भेड़ क्या करेंगी? तितर बितर हो जाएंगी। तितर बितर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? तितर बितर हो जाएंगी। हाँ, उसको कहाँ जाना है, किस रास्ते पे जाना है उसे मालूम भी नहीं होगा। इसीलिए भला चरवाहा का गुण है कि सबसे पहले अच्छे मार्ग पर चलना, सत्य की मार्ग पर चलना, ताकि अन्य प्रजा यानी हम सब भेड़, प्रभु के चुने हुए प्रजा भेड़ हैं, वे सब भी प्रभु के मार्ग पर चल पड़ेंगे, चल जाएंगे। और हमें क्या कहता है वचन, हमें क्या बतलाता है वचन? हमें ये बतलाता है कि गडेरिये अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। गडेरिये अपनी भेड़ों के लिए, भेड़ों के लिए अपना प्राण त्याग देता है, प्राण देता है। प्रभु यीशु हमारे लिए प्राण दिए कि नहीं दिए? दिए हैं। क्यों दिए? हमारे लिए, हमारे रोगों के लिए, हमारे पापों के लिए। हाँ, प्रभु यीशु ने हमारे पापों के कारण, हम सबों की पाप मुक्ति के लिए वह प्राण दिए। उसका बलिदान हमारे लिए सबसे बड़ा महान बलिदान है। वह इसलिए महान बलिदान है क्योंकि एक साधारण इंसान और साधारण रूप से हमारे साथ में रह करके, भगवान का रूप धारण करके, हम सबों की मुक्ति के लिए अपने आप को बलिदान चढ़ाया और स्वयं अपने आप को बलिदान चढ़ाया, अपने प्राण को त्यागा। वह इसलिए त्यागा कि हम सबों को पाप की चंगुल से छुड़ाएं, पाप के रास्ते से छुड़ाएं। और जब हम कुमार्ग पर चलते हैं तो उस रास्ते से होकर के हमें सन्मार्ग की रास्ते पर ले चलने के लिए, हमें आह्वान करने के लिए अपने आप को बलिदान चढ़ाएं। वही प्रभु यीशु अपने आप को भला चरवाहा कहते हुए कहता है कि मैं स्वयं अपनी भेड़ों के लिए प्राण त्यागता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु क्या कहते हैं? अपनी भेड़ों के लिए मैं अपने प्राण त्यागता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने जीवन में अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए अपना प्राण त्यागते हैं कि नहीं त्यागते हैं? प्राण त्यागते हैं, नहीं त्यागते हैं? प्राण त्यागने का अर्थ क्या होता है? मरने से ही प्राण चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हम जब पढ़ाई कर रहे थे तो वहां का एक दर्शन शास्त्री था, वो कहता था हम दो तरीके से मरते हैं। कैसे मरते हैं? दो तरीके से मरते हैं। एक इंसान होता है जीते जी मरता है, और एक इंसान होता है वो मर कर मर जाता है। हालेलुया, वो कैसे मरता है? हमारे जीवन में दो तरीका का मृत्यु है, बस हम एक ही मृत्यु के बारे में हम ज्यादा मनन चिंतन करते हैं। वो कौन सा मृत्यु है? हाँ, वो शब्द जो मैं कहने वाला था वो शब्द आ गया है। एक है देही और एक है विदेही। यानी देही होता है, यानी देह होता है शारीरिक रूप से मरना, उसको हम क्या कहते हैं? देही मृत्यु। और एक होती है विदेही, यानी जीते जी मर जाते हैं, यानी हमारे अंदर स्फूर्ति नहीं होती है, हमारे अंदर क्या करना है उसका जुनून नहीं होता है, हमें क्या करना है, क्या सोचना है, परिवार के लिए क्या करना है उसके बारे में हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं? देही मृत्यु। उस इंसान के बारे में सोचिए जो कई वर्षों से बिस्तर पर पड़ा हो, कई दिनों से, कई वर्षों से बिस्तर पर पड़ा हो, ना उनका पैर चलता है, ना उनका जुबान चलता है, ना उसका दिल और दिमाग भी नहीं चलता। उस इंसान को सोचिए
ऐसे इंसान के अंदर ऐसी प्रकट की भावनाओं को हम मरा हुआ भी एक शरीर के रूप में कहेंगे, जिसके अंदर सब कुछ है मगर उसके अंग में, उसके मन विचार में किसी प्रकार की भी भावना नहीं आ सकती है। वह जीते जी मरने के समान है, एक मरा हुआ शरीर के समान है। इसको हम कहते हैं विदेही मृत्यु। और देही मृत्यु कहते हैं जो शारीरिक रूप से मर जाता है, वह ईश्वर के साथ सम्मिलित हो जाता है, वह पंच भूता में शामिल हो जाता है, उसको कहते हैं देही मृत्यु। और जब मैंने कहा क्या माता पिता परिवार अपने बच्चों के लिए प्राण त्यागते हैं? नहीं त्यागते हैं। नहीं त्यागते हैं, त्यागते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे लगता है ये सब भी त्यागते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खून और पसीना जब हमारे अंदर से निकलती है, इसका प्रतीक क्या है? इसका प्रतीक क्या है? त्यागना। हम किसी को देखभाल करने के लिए, किसी की परवरिश करने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए हम क्या करते हैं? कड़ी मेहनत करते हैं। क्या करते हैं? त्यागना। कड़ी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, और वही परिश्रम हर मानव जाति के लिए, हर मनुष्य जाति के लिए एक प्राण देने के समान है। उसको हम प्राण देने का मतलब शारीरिक रूप से प्राण देने का नहीं, परंतु अपनी पूरी ताकतें, अपना पूरा विचार, अपनी पूरी सोच, सब कुछ को हम त्याग देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अपने जीवन में अपने परिवारों की देखभाल करने के लिए, अपने बाल बच्चों की परवरिश करने के लिए हम भी संपूर्ण जीवन को समर्पित करते हैं, त्यागते हैं। आज इसीलिए प्रभु हमें भी ये कहते हैं, वह स्वयं कहते हैं कि भला चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण त्यागता हूं। और आगे अध्याय 10 पद संख्या 14 में पाते हैं, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, प्रभु हमें ये भी कहते हैं कि पिता मुझे जानता है और जिस तरह मैं पिता को जानता हूं, उसी तरह से मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। हाँ, उसी तरह से मेरी भेड़ें मुझे जानती है, मुझे पहचानती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि मैं भला चरवाहा हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आज के सुसमाचार में हम पाएंगे एक भला चरवाहा के बारे में, एक अच्छी तरह से प्रभु यीशु अपने शब्दों से कहते हैं। वे कहते हैं कि भेड़े मेरी आवाज पहचानती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वचन हमें ये बताता है कि मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती है। एक भला चरवाहा अपनी भेड़ों को सच्ची मार्ग पर ले चलने के लिए, अपना अनुसरण करने के लिए हर प्रकार से वो प्रेरणा देता है, हर प्रकार से कोशिश करता है कि हम किस प्रकार से अपनी प्रजा को, अपने भेड़ों को अपने मार्ग पर चलने के लिए आह्वान करें। इस प्रकार के उदाहरण द्वारा प्रभु यीशु हमें कहते हैं, हमें ये बतलाते हैं। वे कहते हैं जो मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनकर मेरे अनुसरण करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है? जो मेरा अनुसरण करता है उसे क्या होता है? उसे क्या मिलता है? अनंत जीवन। उसे अनंत जीवन मिलता है। और कौन अनुसरण कर सकता है? कौन अनुसरण कर सकता है? जो उनकी आज्ञाओं पे चलता है। हाँ, जो उसको जानता है, सबसे पहले उसको जानता है और उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, वही उसका अनुसरण कर सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या हम प्रभु यीशु को जाने बगैर अनुसरण करते हैं? नहीं कर सकेंगे। हम प्रभु यीशु को जानते हैं इसलिए हम उसका अनुसरण करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु को जानने से पहले क्या प्रभु को मानते थे? नहीं मानते थे। प्रभु यीशु को जानने से पहले
क्या उसका अनुसरण करते थे? नहीं करते थे। इसीलिए प्रभु यीशु हमें भी कहता है कि मैं उन्हें जानता हूं और मेरी प्रजा मुझे जानती है, मुझे पहचानती है। इसलिए प्रभु हमें ये भी कहते हैं, जब हम उनके बातों को जानेंगे, जब प्रभु यीशु को स्वयं हम जानेंगे, जब हम प्रभु यीशु का अनुसरण करेंगे, तो हम उसमें अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। उसके बाद में वचन आगे ये भी कहता है कि उसका कभी भी सर्वनाश नहीं होगा। क्या कहता है? उसका कभी भी सर्वनाश नहीं होगा। उसका कभी भी सर्वनाश नहीं होगा। संत पौलुस और बरनबास जब प्रभु के बारे में लोगों को सुना रहे थे, तो उन लोगों को प्रताड़ित किया गया, उन लोगों को मारा गया, उन लोगों को तिरस्कृत किया गया। और संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में हम पढ़ेंगे, वचन हमें क्या बतलाता है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 प्रभु का वचन हमें क्या बतलाता है, अध्याय 5 पद संख्या 11 में पढ़ते हैं। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या प्रभु के शिष्य लोग, क्या प्रभु के शिष्य जन ऐसा अनुभव किए? किए। किए कि नहीं किए? किए। हालेलुया, हालेलुया। किए कि नहीं किए? किए। हाँ, सारे शिष्यगण इस प्रकार की घटना, इस प्रकार का जीवन अनुभव किए। और प्रभु हमें कहता है, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे और तरह तरह के झूठे दोष लगाएंगे। आज का पहला पाठ हमें यही दर्शाता है कि सारी यहूदी जनता जो प्रभु के सुसमाचार सुना रहे थे, उनके प्रभु के शिष्य गण को वे तिरस्कृत करते हैं, उनके बातों का खंडन करते हैं, उसका अनुसरण नहीं करते हैं। और जब हम उसका अनुसरण नहीं करेंगे तो हमें मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, हमें जीवन नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम उसमें जीवन पाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उसका अनुसरण करना है, प्रभु के वचनों को सुनना है, मानना है और उनके आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जीना है। जब हम उसके जीवन, उसके अनुसरण चलते हैं तो हमें किसी प्रकार की घटनाओं, किसी प्रकार की दुख तकलीफ की परेशानियों का झेलना नहीं होगा। हमारे दुख तकलीफ प्रभु के नाम पर हट जाएंगे, कम हो जाएंगे। हमें प्रभु कभी भी सन्मार्ग की ओर ले चलने के लिए हमेशा प्रेरणा देगा, हमें कभी भी सर्वनाश नहीं करेगा, वह सच्चे मार्ग पर ले चलेगा। और वचन हमें क्या बतलाता है, मेरे पिता ने मुझे उन्हें दिया है। क्या कहता है? मेरे पिता ने मुझे उन सबों को दिया है। वे उन सब क्या है? हम सब उनकी प्रजा, यानी पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को सारी जनता के लिए दिया है और हम सबों के लिए स्वयं केवल प्रभु यीशु ही हैं। पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को हमारे लिए दिया है और हमारे प्रभु यीशु ही मात्र ऐसा भगवान है जो हमें जीवन प्रदान करता है, सर्वनाश की ओर नहीं ले चलता है। और आगे क्या कहता है, कोई भी उन्हें पिता से नहीं छीन सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या कहता है? कोई भी उन्हें पिता से नहीं छीन सकता। किसे कहता है? हाँ, हम सबों को कहता है। क्या कहता है? जो भी प्रभु पर विश्वास करता है, उन सारी प्रजा को कोई भी अलग नहीं कर सकता प्रभु से, प्रभु के प्रेम से उन सारी जनता को कोई भी अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं छीन सकता। चाहे संसार की शक्तियां हो, चाहे शैतानी बंधने हो, शैतानी ताकतें हो, आकस्मिक घटना हो या बीमारियां हो, कोई भी प्रभु के प्रेम से
या किसी भी प्रकार की घटनाएं प्रभु को मानने से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये प्रभु यीशु हमें कहते हैं कि अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं, अगर आप मुझका मुझ पर आस्था रखते हुए अनुसरण करते हैं, तो ये किसी के द्वारा भी छीना नहीं जाएगा। हालेलुया हालेलुया। वह इसलिए छीना नहीं जाएगा क्योंकि मैं और पिता दोनों एक हैं। हालेलुया हालेलुया। वे क्या कहते हैं, आखिरी में कहते हैं, मैं और पिता एक हूं। यानी जो मैं हूं वह पिता है और जो पिता है वह मैं हूं। जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास करता है वह पिता परमेश्वर पर भी विश्वास करता है। जो प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता है वह प्रभु यीशु के माध्यम से पिता परमेश्वर की आज्ञाओं का भी पालन करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु हमें कहता है कि आप सब सन्मार्ग की ओर आगे बढ़ें, उस जलधारा की ओर आगे बढ़ें जो संजीवन जल प्रदान करता है। प्रभु यीशु हमें आज एक सच्चा चरवाहा बनने के लिए प्रेरणा देते हैं, हमें संपूर्ण रूप से अपने जीवन को समर्पित करने के लिए, पूर्ण रूप से दूसरों की भलाई के लिए, अपने परिवार की भलाई के लिए, अपने माता पिता अपने बच्चों की भलाई के लिए, उनकी संपन्न जीवन के लिए संपूर्ण रूप से अपने प्राण त्याग देने के लिए हमें प्रेरणा देते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि प्राण त्यागने से महान कोई भी ऐसा बलिदान नहीं है। यानी प्रभु पर जीवन जी करके अपने संपूर्ण जीवन को लोगों की भलाई के लिए, लोगों के हित के लिए ही जीना सबसे बड़ा बलिदान है। लोगों को नव जीवन प्रदान करना, ईश्वरीय मार्ग पर ले चलना ही सबसे बड़ा बलिदान है। प्रभु के शिष्यगण भी हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना किए, हर प्रकार की मुसीबतों का सामना किए, वे कभी भी नहीं ढगमगाए, वे कभी भी प्रभु के मार्ग से नहीं भटके, परंतु सच्चे हृदय से प्रभु पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते रहे और प्रभु के जो समाचार को जो जीवन प्रदान करता है, जो अनंत शांति प्रदान करता है, इसको सारी जनता को सुनाइए। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हम सब तेरी प्रजा हैं, तू ही मात्र एक भला चरवाहा है, भला गड़ेरिया है। जिस प्रकार तू अपनी भेड़ों को सन्मार्ग की ओर ले चलता है, उसी प्रकार अपनी चुनी हुई प्रजा, हम सारे भक्तजनों को भी सन्मार्ग के रास्ते पर ले चल, हम सबों को कभी भी सर्वनाश के गर्त में जाने ना दे, हम सबों को सुमार्ग की ओर ले चल, प्रेम से प्रेरित होकर बढ़ने के लिए हम सबों को प्रेरणा प्रदान कर, ताकि हम सब तुझसे प्रेरणा पा करके संत पौलुस और बरनबास की भांति प्रभु के जनता यहूदियों या गैर यहूदियों, जो प्रभु पर विश्वास करते हो या प्रभु पर विश्वास ना करते हो, उन सारी जनता के पास जाकर के तेरे सुसमाचार का प्रचार प्रसार कर सके। प्रभु हम सबों को आशीर्वाद दे, हम सबों को अपनी प्रज्ञा विवेक ज्ञान से भर दे, ताकि हम सब तुझको जान पाए, तुझ पर विश्वास कर पाए, तुझ पर आस्था रखते हुए अनुसरण कर पाए और अनंत जीवन प्राप्त कर पाए। मुक्ति भजन माला पृष्ठ संख्या 20। विशेवास हमरो विशेवास हमरो विशेवास हमरो पिता सर्व सके मान परे मान हमरो।